24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2000 का आयोजन कुछ इस तरह से हुआ कि बॉलीवुड से लेकर छोटे पर्दे की पूरी स्टार कास्ट पहुंची, जो कि एक ऐसे टैलेंट को ढूंढने आई हुई है जिनको आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ा मंच नहीं मिल पाता था। आपको बता दें कि दिल्ली के सेंट्रल पार्क नॉर्थ प्लेस में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं लाइव 24 न्यूज की ये रिपोर्ट। जगत से जुड़े मानवर श्री राजू चड्ढा जी, श्रीमान श्रीमान सुधोलिया जी करा रहे राष्ट्रीय महोत्सव जो अब अपने छठवें वर्ष में है, नई दिल्ली में आयोजित द सोशल सर्कल सोसाइटी फॉर कॉज एंड इंक्लोवेजिंग द्वारा भारतीय सिनेमा और 100 गौरवशाली वर्षों को मनाने के लिए 2012 में स्थापित DIFF नई दिल्ली नगर निगम NDMC के सहयोगी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग के साथ आज दिल्ली इंटरनेशनल फेस्टिवल में मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगी आपका अलका पटनागर से और इनसे पूछूंगी इनका फेवरेट सॉन्ग। मैं क्या बताऊं, सभी पुरानी बड़ी बड़ी गायिकाओं की मैं फैन हूं और मुझे लता जी आशा जी के मैं ज़बरदस्त फ़ैन हूं और शायद उनसे ही सीख सीख के मैं इतना आगे बढ़ी हूं। तो मैम, आज का जो ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? बहुत ही अच्छा रहा और मैं कहूँगी पार्सा जी ने गज़ब का, मैं पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा किया। देश विदेश की मूवीज़ को लाना, ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाना, उनको प्लेटफॉर्म देना बहुत बड़ी बात है। तो अपने दर्शकों के लिए कोई फेवरेट सॉन्ग एक लाइन का? अपने दर्शकों के लिए गज़ल ले लेती हूँ ना, मेरी जगजीत सिंह से भी जी भी बहुत फेवरेट थे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने। दिल्ली से दुनिया भर में सिनेमा ला रहा है हमारी सलाहकार बोर्ड का नेतृत्व कर रहे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता श्री अदूर गोपाल सुभाष धई है। मैं आज के बारे में यही कहना चाहूँगी, 6th दिल्ली फिल्म फेस्टिवल जो है, तो इसमें फर्स्ट टाइम है। इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई विश इट अ वेरी ग्रैंड सक्सेस एंड इट शुड टच न्यू हाइट्स। आई शुड बी कंपीटिंग विद अदर फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच सर। इसी इंटरनेशनल जो है फेस्टिवल, इसी के लिए मुझे आपसे पूछना है सर, दो देखिए बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली का कम से कम एक फिल्म फेस्टिवल तो है। जी, पहले एक फेस्टिवल होता था जो रैली इंटरनेशनल, जो सरकारी, जो सरकार जिसको ऑर्गेनाइज करती थी और फंड करती थी, वो दिल्ली से चला गया, गोवा में होता है हर साल, बहुत भव्य होता है, बहुत बड़ा, बड़े 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 लोग आते हैं, फिल्म स्टार्स आते हैं, बिकॉज उनके पास सुविधाएं हैं। रामपारचा साहब का ये इनिशिएटिव जो है कि दिल्ली का राजधानी है भाई देश की, यहाँ का फिल्म फेस्टिवल तो होना ही चाहिए था, चलिए इन्होंने शुरुआत की। ये छठा एडिशन है, शुरू में बहुत सारी दिक्कतें थी, पैसों की दिक्कतें थी, लोग नहीं आते थे। धीरे धीरे करके उस आदमी को मैं बहुत पारचा साहब की सराहना करूँगा कि वो सारी दिक्कतों के बावजूद वो लगे रहे और आज छठा साल है और इवेंचुअली मैं देख रहा हूँ लोग बढ़ गए हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लोग आ गए हैं, मेन्यू भी उनके पास अच्छा आ गया है। इस समारोह में मुख्य अतिथि सुरेश डायरेक्टर है जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं। इस समारोह का उद्देश्य उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कोई बड़ा मंच नहीं मिलता है, उन्हीं बच्चों के लिए इस मंच का भव्य आयोजन किया गया। उसके लिए समर खान की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं नॉर्थ प्लेस के सेंट्रल पार्क में और आज यहाँ पर दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इसी के साथ मैं समर, कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ, अराइव 24 न्यूज़ दिल्ली।